ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ अविशा मिश्रा। दिल्ली समेत देश भर में कोरोना वैक्सीन अभियान का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। इसके तहत 45 साल से अधिक उम्र के 65 लाख लोगों को कोविड का टीका लगाया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। देश भर में वैक्सीनेशन का अभियान जोरों शोरों से चल रहा है। वहीं अब दिल्ली समेत पूरे देश में कोरोना वैक्सीन अभियान का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि पहला चरण 16 जनवरी को शुरू हुआ था, जिसमें दिल्ली के 3.6 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मी और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को टीका लगाया गया था। वहीं दूसरे चरण में 60 वर्ष से अधिक उम्र और पहले से गंभीर बीमारी से पीड़ित 45 से 59 साल के लोगों को कोरोना वायरस से बचाव का टीका लगाया गया था। जानकारी के अनुसार तीसरे चरण में जो लोग 1 जनवरी 2022 को 45 साल और इससे अधिक उम्र के होंगे, वे टीकाकरण के पात्र हैं, चाहे उन्हें कोई बीमारी हो या नहीं। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में बीते दिन 25,000 से अधिक लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया गया और अब तक उनमें से मात्र एक में प्रतिकूल प्रभाव सामने आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर